फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कुछ इस टाइप का यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ठीक है, जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया और अभी यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, ठीक है, एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से ऊपर निकला है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर निकलने के बाद ये ऊपर की ओर कंसोलिडेट कर रहा है, ये पोल हो गया और ये फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। तो इसमें आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो आने वाले समय में हम अगर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो इस तरीके की हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी, राइट, ठीक है। एकदम ये यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश इसको कर रखा है इसने, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और यहाँ अभी इसी जस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसका लो है, इस लो को अगर ये रिस्पेक्ट करता है, होल्ड करता है और ऊपर की ओर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये रेंज बना रहा है हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, 20-10 रुपीज़ का रेंज। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 390 एंड उसके बाद का टारगेट है 410। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये का होगा हमारा और टारगेट हम लोग का बड़ा हो सकता है आने वाले समय में। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे इस ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न हम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पैटर्न जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्ले हो सकता है आने वाले समय में। एक बार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा और 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सीनारी हुई ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम पैटर्न के अंदर पैटर्न, ठीक है, पैटर्न नेस्ट पैटर्न बनाते हैं तभी हम लोग को एक अच्छा यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने का और ये ट्रैक करने का मौका मिल पाता है। तो इस ट्रेंड लाइन को 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको ब्रेकआउट मिलेगा तो हम प्ले कर सकते हैं इसको। और ये यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक तरीके के चैनल में ये इस तरीके के चैनल में फटा हुआ है, ठीक है। ये चैनल में ये लगभग 12 जुलाई से है और आज 21 है, तो बहुत ही अच्छा खासा एक वीक हो गया और इसी चैनल में ये फंसा हुआ है। अगर ये इस चैनल से हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रांग क्लोजिंग मिलनी चाहिए। सारा रेजिस्टेंस कहाँ है, 372 के आसपास है। तो अगर 372 के ऊपर हम लोग को एक स्ट्रांग 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग बाई कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लास्ट स्विंग के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्विंग के नीचे लगाइए और या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे आप लगाइए अपना स्टॉप लॉस और उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। मिनिमम आपको 1:2 के लिए प्लान करना चाहिए या फिर आपको 1:1.5 भी मिल जाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।